जी गाइस, तो इस वक्त मैं आई हूँ किंडरगार्टन, रुमैसा के किंडरगार्टन, और उनको अपहोल करूँगी मैं। तो चलते हैं, पहले उनको जो है वो लेते हैं किंडरगार्टन से। चलो जी, रुमैसा को हमने ले लिया है और आजा। चलो जी, अब हम गाड़ी में जा रहे हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। और रुमैसा, कैसा रहा आज आपका दिन? है? हाँ जी जनाब, आज हफ्ते का दिन है और आज हमारे जो सोफे थे वो डिलीवर होने थे, तो हम वेट कर रहे थे। अभी बस उनका फ़ोन आया था कि हम बस आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं, तो आप लोग घर में मौजूद हैं? हमने कहा जी हाँ, हम वेट कर रहे हैं। और तकरीबन फिक्स आधे घंटे बाद जो है जनाब, गाड़ी आ गई थी और हमारे सोफे जो है वो भी आ गए थे। खैर, ये दो बंदे थे, इन्होंने बहुत मतलब मुश्किल से 10 मिनट में पूरे सोफे जो है इन्होंने अंदर ला के रख दिए और इस तरह जो है हमारे सोफे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं और नजमी ये चेक कर रहे थे कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो पूरे कंप्लीट आए हैं, पीसेस जो इसके हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि नॉर्मली उसमें 8 से 9 पीसेस आने थे, तो वो सब हमें गिनना था। तो वो जाहिर सी बात है उसके जो पेपर थे मैं उस पर चेक कर रही थी, देख रही थी, गिन रही थी कि सारे कंप्लीट आई हैं चीज़ें कि नहीं आई हैं। उसके बाद मैंने बच्चों से कहा कि भाई तुम लोग उठो और अब जो है इसकी जो भी इसका काम है, जो भी बनाना है इसको, क्योंकि वैसे तो ये इसमें ये होता है कि तकरीबन आप समझें कि थोड़ा सा 2 से 3 घंटे लगते हैं, मगर बड़े ईजी तरीके से जो है ना बन जाते हैं ये। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि इस वक्त सोफ़े भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं और इस वक्त बड़ा डार्क आ रहा होगा इधर का, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे इस वक्त काफ़ी डार्क वेदर हो रहा है। तो ये जनाब यहाँ पे ये सोफे आए हैं, लाइट यहाँ से खोलती है ये वजह से। अभी ये सोफ़ा तो ऐसे ही है, इसका कवर हमने चेंज किया था, अभी इस पर ये मैंने बिछाया हुआ है। बाकी ये है कि ये इधर सेट हो गए। आज जो है वो संडे का दिन है और संडे के दिन जो हमारी मसरूफियतें हैं वो काम के अलावा और भी बहुत सारी मसरूफियतें हैं, क्योंकि ज़ाहिर पैकिंग होती है, उसके फाइनल टच होते हैं और ये सारी जो कहना चाहिए कि ज़रूरी ज़रूरी जो काम होते हैं ना वो होने होते हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला वो सारे काम निपटाए जाएंगे और आप लोग सब देखिएगा, सोफे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेट भी हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और अब ये है कि एक और नया जो काम है ना वो स्टार्ट हो चुका है कि अब जाना है और जो है वो उसकी तैयारी जो भी है वो होनी है। तो साथ ही रहिएगा, देखते रहिएगा, व्लॉग्स को पसंद करते रहिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जनाब कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगती हैं वीडियोज़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। यहाँ पे जनाब हमारी पैकिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, अब फाइनल टच हो रहे थे, क्योंकि अब सारे सामान को देखना था, चेक करना था। तो यहाँ से मेरे पास 35 kg था, जो कि कुछ कपड़ों के बाद ही फुल हो गया। मुझे लग रहा था बहुत जल्दी मेरे सारे जो सूटकेस हैं वो भर गए हैं, हालांकि यहाँ से जाते वक्त हमें लगता है कि कोई सामान ही नहीं होगा, मगर भाई सामान तो अच्छा खासा हो जाता है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं कुछ नेल्स जो हैं वो ख़रीद के लाई थी और बड़ा शौक़ है मुझे कि मैं चलो लगा के देखूँ ये नेल्स। सब कहते हैं, मेरी सिस्टर कहती है, मेरी बेटी कहती है कि भाई आप नेल्स लगाएं, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा नेल्स ट्राई किए जाएँ, हाथ में बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस इस वक्त जो है वो मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई हुई थी और हम जो है कोशिश कर रहे थे कि ये किस तरह से हमारे हाथ में अच्छे लगेंगे या मेरे हाथ अच्छे लगने लगेंगे। तो जनाब यहाँ पे देखिए, मेरे नेल्स जो हैं वो लग चुके थे और कितने एकदम हाथों में चेंज आ जाता है, अच्छे हाथ लगने लगते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब मैंने नेल्स नहीं लगाए थे उस वक्त के बाद, और अब जो है बड़ा फ़र्क आ गया था हाथ में। तो जनाब ये सारे काम भी ज़रूरी थे, ये सब हो गए थे और अब हमारा नॉर्मल जो तैयारी थी वो स्टार्ट होनी थी। तो वो अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।